तृतीयाध्यायस्य अष्टमपादस्य प्रथमाधिकरणम् आरचयति। तृतीयाध्याय या आठवां पाद उसे पहला अधिकरण आरंभ करते हैं। दक्षिणादानस्य स्वामी कर्तृत्वाधिकरणम्। पूर्व पाद में प्रसंग में विचार हुआ था दीक्षा का, यजमान किसको दीक्षा नहीं देता, यजमान एक को अधूरे को वर्ण किया वो आगे दीक्षा दे देता है। इधर जब सकल काम करने के लिए आपने ऋतुओं का वर्ण किया, उन्होंने आगे सब काम कर ही रहे हैं, दीक्षा काम कर रहे हैं, इसे दक्षिणा दान में जब वे ही देंगे ये यजमान देगा, ये विचार आरंभ कर रहे हैं। दक्षिणा दान से स्वामी कर्तृत्व होगा, ऋतिक कर्तृत्व नहीं है। दक्षिणादि परिकृतिर ऋत्विज स्वामिनो अथवा परिक्रह समाख्यानाद ऋत्विज स्यात् यथेतरत् परिक्रयात् पुरा अध्वर्युर् होत्रादीनाम अभावतः परिक्रेण कर्तृत्वं यजमानस्य न ऋत्विजः। दक्षिणादि परिकृतिर, दक्षिणादि के द्वारा जो परिक्रयण है वह ऋत्विज लोग ही करेंगे अथवा स्वामिनः, अथवा स्वामी करेगा। पूर्व पक्ष कहता है परिक्रय समाख्यानात्, परिक्रयण पूर्वक समाख्यान होने से ऋत्विज स्याद यथा इतरत, जैसे अन्य कार्य होते हैं सिद्धांत है नहीं, नहीं। परिक्रयण से पहले उनका नाम मध्वर्य है क्या, कि किसी ब्राह्मण का होता नाम है क्या, कोई नाम नहीं, सभी विद्वान हैं, सब कर्मकांड जानने वाले हैं, उनको बुला लिया गया है। इसे विशिष्ट चाक्रायण प्रकरण में इसे दृष्टांत है। उसने राजा ने क्या कहा, मैंने आपको बहुत ढूंढा आप नहीं मिले, तो मैं इन जो उपासना को न जानने ले देवता का ज्ञान नहीं है ऐसे पंडितों से मैं काम चला रहा हूँ, अब आप आ ही गए हैं अब आप ही करो सब। कहते नहीं नहीं, तो वीरे पंडित कहाँ जाएंगे बेचारे। इसे उसने क्या कहा, इन सबको जितना दक्षिणा देंगे उतना मुझे दे दो, मैं इनको ज्ञान दे के इनसे कर्मकांड कराऊंगा। वहाँ स्पष्ट है से पहले से तय नहीं है कौन अध्वर्य हो, कोई मत्थे पे थोड़ी लिखा हुआ है यह अध्वर्य रहेगा हमेशा, ये होता ही रहेगा हमेशा परमानेंट, ऐसा कोई नहीं। आज जिसका अध्वर्य अगले किसी याग में आप उसको होता बना सकते हो। ब्राह्मण के मध्य पर कोई फिक्स नहीं है, वेद पढ़ा है चारों वेद पढ़ा वालों को तो और भी किसी भी चीज़ में काम हो सकता है, केवल सामवेद पढ़ा है उसको तो खैर मजबूरी है, उसका आता है उसके क्रम का चार में से एक बनना पड़ेगा। केवल यजुर्वेद पढ़ा है उसका अध्वर्य आदि चार में से एक कब बनना पड़ेगा, केवल ऋग्वेद पढ़ा है होता आदि में से एक बनना पड़ेगा। लेकिन जो द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी है उनको तो छूट है, कभी ये कभी वो जो चाहे सो काम ले सकता है वो तो। इसलिए संज्ञा जो व्यक्ति का बन रहा है यहाँ ऋत्विक संज्ञा, वो जो संज्ञा है परिक्रयण के बाद है, पहले नहीं है। इसे दक्षिणा देकर जो क्रयण किया जा रहा है वह तो पहले हो रहा है, इसे दक्षिणा देगा स्वामी ही। परिक्रय समाख्यानाद ऋत्विज स्याद कहते परिक्रयात पूरा अध्वर्यो होत्रादिनाम अभाव था, परिक्रयण से पहले अध्वर्यो होता इत्यादि नाम ही नहीं है। परिक्रयण कर्तृत्व यजमानस्य, इसे परिक्रयण कर्तृत्व यजमान में रहेगा, न तो ऋत्विज ऋत्विज में नहीं जाएगा। दक्षिणादान कर्मकरा परिक्रेतव्या विधि इतना ही है, दक्षिणादान के द्वारा कर्मकरों को परिक्रयण कीजिए, काम करने वालों को खरीद लीजिएगा। तत्र हविस्त्याग व्यतिरिक्त सर्वम आर्तिज्यमिति निर्णीतम। पूर्व पाद में निर्णय ले लिया आपने, हविस्त्याग करना ही यजमान का काम है, बाकी सारा काम ऋत्विकों का है, ये पूर्व में हम निर्णय दे चुके हो। अतएव दक्षिणा च द्वाशत रूप अध्वर्य वेदे उद्गात्री वेदे च समामनाता। और जो दक्षिणा 112 की बात है वह या तो यजुर्वेद में है या तो सामवेद में पठित है, इसलिए ये जो 100 गाय देख करके परिक्रण करना है ये कौन करेगा, या तो यजुर्वेदी ब्राह्मण करेगा या तो सामवेदी ब्राह्मण करना चाहिए, अर्थात अध्वर्य अथवा उद्गात करना चाहिए। अनवहारी दक्षिणा अध्वर्य वेदे, और अनवहारी संबंधी जो दक्षिणा है
वह ध्वरिवेद में वर्णन आया, वो भी यजुर्वेद में ही है। अतः ततः समाख्या, इसलिए वेद की समाख्या के आधार पर जो ऋत्विक की समाख्या को लेकर के परिक्रेत्री त्वम ऋत्विज एव परिकृतृत्व ऋत्विज में होना चाहिए थी चेत मैवाम ऋत्विजाम परिक्रेण उत्तर कालीनानाम तत्कर्तृत्व संभवेन। परिक्रेण के उत्तर काल में उनका ऋत्विक नाम पड़ता है, पहले ऋत्विक नहीं, वो केवल ब्राह्मण है, वेदों को पढ़ा लेगा ब्राह्मण है, कर्मकांड जाने वाला ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण को ऋत्विक संज्ञा तब पड़ेगा जब वो दक्षिणा लेकर के यज्ञ करने को तैयार होता है, और उसमें भी ऋत्विक विशेष संज्ञा कब पड़ेगी, जब दीक्षा होती है तब अध्वर्य विशेष संज्ञा होगा। इसीलिए ऋत्विजाम परिक्रेण उत्तर कालीनानाम तत्कर्तृत्व संभव है न, तत्कर्तृत्व संभव ही नहीं है, इसे यजमान सेव तत्कर्तृत्वाद, इसे यजमान के द्वारा ही दक्षिणा का कर्तृत्व सिद्ध होता है। इष्ट का वरदान से अध्वर्य कर्तृत्वाधिकरण, द्वितीय अधिकरण मार्जेति, द्वितीय अधिकरण आरंभ करते हैं, इस अधिकरण का नाम है इष्टिका वरदान से अध्वर्य कर्तृत्वाधिकरण। इष्टिका चयन प्रकरण में आता है, वह तीन वर देने की बात कही है, या एताम इष्टकाम उपदध्यात स त्रीन वरान दध्यात, ऐसा कहा है। जो इष्टिका को उपधान करेगा, चयन करेगा, वह तीन वरों को देवे। कौन चयन करेगा और कौन वर देगा, यहाँ पर जो उपधान का कर्ता अध्वर्य होता है, इष्टिका का उपधान कौन करेगा, अध्वर्य करता है, इसीलिए वही तीन वरदान देगा। ये सिद्ध है, वाचनिक है, शंका ही नहीं, स्पष्ट है वहाँ पर। यानी यह सहकर्ष से शंका होता है कि पूर्व में आपने कहा यजमान कर्तृत्व है, यहाँ पर ही शंका होगी यजमान ही करें, तो सिद्धांत के नहीं नहीं यह सह करके जो उपधान का करता है वही तो तीन वरदान देगा। इष्ट का उपधान का कर्ता कौन है, जिसको आपने खरीद रखी है उस काम करने के लिए, यजमान ने ऐसा कार्य के लिए तो खरीदा है, और अध्वर्यो के द्वारा ही होना है, इसे वरदान भी अध्वर्यो देगा। इष्ट का वरदान किम स्वामिन सियादुतरत्विज, स्वामिन पूर्वद्वैव अध्वर्योर्वचनादयम्। इष्ट का उपधान प्रकरण में कहा गया जो तीन वर के दाने देने की बात है, किम स्वामिन सियाद उतरत्विज, स्वामी यजमानी करेगा या ऋत्विक करेगा। पूर्व पक्ष कहता है पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार स्वामी को ही अधिकार दो, स्वामी करे ये भी काम, दक्षिणा देता है, त्याग करता है, ये भी करे, वर भी देवे। सिद्धांत कहते नहीं, मैवाम अध्वर्यो हो अध्वर्यो कर्तृके वरदान, क्यों, वचनात् वचन प्रमाण से विधि है। विधि क्या है सुनिए, या एताम इष्टकाम उपदध्यात सत्रीन वरान दध्यात इति उपधातु अध्वर्यो हो त्रिवरदानम वाचनिकम। उपधान करता है अध्वर्यो, उसके द्वारा से तीन वरदान देना यह वचन सिद्ध है। नयस्ति वचन से अति भार, और वचन को ईश्वर स्पष्ट कथन करने में कोई अति भार भी नहीं है। वचन है का दरिद्रता, लोक व्यवहार में भी प्रसिद्ध होगी, इसीलिए वचन है का दरिद्रता, जो है जितनी स्पष्ट बोल सकते स्पष्ट बोला जाए, हजार रहस्य रखना कोई बात हो वहाँ गोलमोल करना पड़ता है, लोक व्यवहार में भी है वेद में भी है, नहीं तो दुरुपयोग ही ज़्यादा होता है ना। समस्या क्या है, दुरुपयोग का ही है, और दुरुपयोग का ही नतीजा है ये कलयुग आरंभ हुआ है, वेद की भी सारी शाखाएँ गायब हो गई, वह ईश्वर ने सब खत्म ही कर दिया, अपने में समेट लिया, और सबको एक तरह से वर्ण संकर और म्लेच्छ बना दिया है, वर्णातीत आश्रमातीत हो गए हैं सब, नहीं तो परंपरा चलती ना वर्ण आश्रम की, कहाँ रह गया है। इसलिए स्पष्ट है ये सब चीज़ें होना ही है, होते रहेगा, इसे वचन में कोई भार नहीं है, वचन गायब हो गए, श्रुतियाँ ही गायब हो गई, वो एक अलग बात। तृतीयाधिकरण मार्चेति, तृतीयाधिकरण आरंभ करते हैं,
फले संस्काराणाम याजमानताधिकरणम, फल ग्रहण करने वाला फली, फलम अस्य अस्ति फली, उसके संस्कार किसको मिलना चाहिए, कौन करना चाहिए, यजमान या ऋत्विज। पूर्व अधिकरण अभी आपने बोला अध्वर्य को करना है काम, इसलिए ये भी काम अध्वर्य यदि ऋत्विज करे, सिद्धांत है नहीं नहीं यजमान का काम है। यजमान कर्म करने से पहले दाढ़ी मूछ निकालेगा, दाढ़ी निकालेगा, बाल भी काट देगा, क्यों छोटी छोटी रखेगा, ये सब संस्कार, भपन संस्कार है ये, ये यजमान के लिए जरूरी है। ऋत्विज भी करे तो भला वो भी करके आएंगे ही, वो भी करके आते हैं, क्योंकि अब नवरात्र में आप देखेंगे पहला दिन सब चकाचक कहेंगे, धीरे धीरे बाल बढ़ेगा नौ दिन तक, बीच में ही करके आना चाहिए, करके आते तो टोकना चाहिए, गलत कर रहे हैं आप, नवरात्र नौ दिन भी तुम बिना किए नहीं रह सकते। अब आज तो फैशन हो गया, सब लड़के ही रखने लग गए पूरी पूरी। ये वपन आदि कर्म संस्कार यजमान का है या ऋत्विज का है, पूर्व पक्ष कहेगा पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार ऋत्विज का होना चाहिए, सिद्धांत करेंगे यजमानताधिकरणम। संस्कार वपनाद्या किम अध्वर्यो स्वामिनो अथवा अध्वर्योस्तत्र शक्तत्वात् तद्वेदोक्तेन तस्यते। संस्कारैर योग्यतां प्राप्य स्वकार्यं कर्तुं ऋत्विजः क्रीणात्यतः क्रियातेषां संस्क्रिया यजमानगा। संस्कार वपनाद्या, वपनादि जो संस्कार है कौन करें, कि अध्वर्यो स्वामिनो अथवा अध्वर्य करें या स्वामी करें। पूर्व पक्ष है अध्वर्य को करने में तो सामर्थ्य है ना, शक्त भी है, और यजुर्वेद में पठित है संस्कार, और यजुर्वेदी कौन है, ऋत्विक अध्वर्य, और समर्थ भी है वो करने में, इसे करना उसी को चाहिए। अध्वर्योस तत्र शक्तत्वात्, उन संस्कार करने में वो समर्थ भी है, और तद वेदोक्तिश्च, और यजुर्वेदोक्त होने के कारण से भी अध्वर्य को तस्यते, अध्वर्य को ये संस्कार करनी चाहिए। संस्कार ही सबसे नहीं, संस्कार योग्यताम प्राप्य, इन सब संस्कारों के द्वारा यजमान कर्म करने की योग्यता तो प्राप्त करता है, योग्यता तो प्राप्त करने के बाद ही ग्रहण करेगा, तब तो ऋत्विक आएंगे, नहीं दूसरे पहले ऋत्विक कहाँ है। संस्कार योग्यताम प्राप्य स्वकार्यम कर्तुम, अपना कार्य जो याग है उसको करने के लिए ऋत्विज क्रीणाति, ऋतु को ग्रहण करता है, अतः उनकी कार्य अलग है, तेषाम क्रिया अलग है ऋतुओं की, और संस्क्रिया तो यजमान का मान यजमान से, संस्कार जितने ही हैं यजमान में ही होगा। अप उन्दन्तु जीवस इत्याद्य संस्कार मंत्र, अप उन्दन्तु जीवस इत्यादि मंत्र बोलते हुए उसको मुंडन करना है, तद विधायश्च, और ये सारी विधियाँ, इन मंत्रों को प्रयोग करने की विधियाँ भी कहाँ हैं, यजुर्वेदे समामनाता, यजुर्वेद में पठित है, केश श्मश्रुवपते नखाने निकृंतते इति, केश और श्मश्रु दाढ़ी निकाल देगा और ऊपर का केश निकाल देगा, छोटी मात्र रखेगा, मूछ भी थोड़ा थोड़ा रख लेगा, जब तक यज्ञ संपन्न हो रहा है ऐसे, फिर बाद में काटना नहीं है, नाखून भी पहला दिन काट लिया उसके बाद बीच में काटना नहीं है। शक्तश्च अध्वर्य वपनादो, वपनाधिकारी करने में अध्वर्य भी समर्थ ही है, तस्माद ये तो यजुर्वेदोक्त है और सामर्थ्य भी है, अतएव अध्वर्योस्ते वपनादि संस्कारा, अध्वर्यों के द्वारा ही वपनादि संस्कारों को करनी चाहिए, यदि चेत मैं ऐसा मत कहो। वपनादि संस्कार यजमानगत मालिन्यम अपनीय याग योग्यताम उत्पादितुम क्रियन्ते, वपनादि जो संस्कार है यजमानगत मालिन्यता को हटा करके याग करने की योग्यता का संपादन करने के लिए विधान किया गया है। तथा च ब्राह्मणम, कैसे मालूम हुआ, क्योंकि ब्राह्मण भाग में कहा गया केश श्मश्रुवपते मृता वा एषा तक अमेध्या
यत्केशश्मश्रुं मृतामेव त्वचम् अमेध्यम् अपहत्य यज्ञो भूत्वा मेधम् उपैतीति। केशश्मश्रु वपत है, क्यों अपन करना है कि ये मरे हुए हैं, ये लगता है जिंदे हैं, पकड़ने से दर्द भी होता है, दर्द वास्तव में बाल में नहीं हो रहा है, जहाँ बाल जुड़े हुए हैं ना चमड़े में वहाँ दर्द होता है, कि चमड़े में चमड़ा तो जिंदा है, प्राण है, और उसके अंदर बाल का थोड़ा हिस्सा भी है, ये बाल तो मेरा हुआ है, बाल का जो बीज अंदर है जिसको कहते क्या जड़ अंग्रेजी में रूट है ये नहीं, वो अंदर है वो जिंदा है, उसके ऊपर जो बाहर आ गया बाल वो तो मरा हुआ है, नाखून ने जो बाहर आई हुई तो मरा हुआ है, एंजा ऊपर जो लगा हुआ है नाखून वो मरा हुआ नहीं, वहाँ तो खून जुड़ा हुआ है, वहाँ बाहर आ गया सामने ये मरा हुआ है, मरा हुआ चीज़ हमारे से जुड़ा हुआ है 24 घंटा, मलिन हुए कि नहीं हुए, और मरे हुए को सजाए रखते हैं, तेल तुल लगा करके बढ़िया से सेट करके रखते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, सब करते हैं। शास्त्र दृष्टिया केश श्मश्रु क्या है, मृत है, कोई समझा रहे मृतावा येषा तग अमेध्या, ये मृत है अतएव ये संबद्ध ये चर्म भी क्या है अमेध्य हो गया, यत जो यह केश और श्मश्रु है, इसलिए मृतामेव त्वचम अमेध्यम अपहत्य, इसे मृत इनसे युक्त उस त्वचा को से उनके हटा करके यज्ञो भूत्वा यज्ञ हो करके मेधम उपैति यज्ञ का संपादन करता है। नहीं अध्वर्य अपने न यजमानगता मृता त्वग पैति, और अध्वर्य अपन कर ले उससे यजमानगत जो बाल जो मृत हैं उनके हटना संभव है क्या, योग्यस्य ही कर्माधिकारे सति पश्चात प्रयास रूपेशु व्यापारेशु, क्यों योग्य कर्माधिकार में जो योग्य होगा वही बाद में प्रयास रूपा व्यापार करेगा, स्वयं अशक्त सकर्म कर ऋतु परिकृणाति, और जो स्वयं अशक्त है वह अपने कर्म करों का ऋतिकों का कैसे ग्रहण करेगा, नहीं कर सकेगा। लोके भी रोगिण स्वामिन औषधादि आनयन एव भृत्यो जीवन दान परिक्रियत है, लोक में भी देखा गया स्वामी रोगी हो गया है तो नौकर क्या करेंगे, सेवक क्या करेंगे, जाके दवाई वगैरह ले आएंगे, प्राणदान देंगे क्या, प्राणदान नहीं देते, जीवन दान दे ही नहीं सकते, लेकिन सेवकों को तनख्वाह दे करके एक तरह से जीवन दान खरीद लिया स्वामी ने, समय पर दवाई नहीं लाए तो जयराम जी हो जाएगा, सेवकों को पटाए रखना पड़ता है, नौकरों को पटाए रखना पड़ता है मालिक को, ताकि समय पे काम करे, समय पे दवाई लावे, नहीं लाएंगे तो गया काम से मालिक, जितना रुपया लाएगा क्या पैसा। यहाँ एक परिवार है उनके बच्चे अमेरिका में थे, अरे बुढ़े हो गए, जब तक वो बड़े हो रहे थे उनके बच्चे भी वहाँ बड़े हो गए, ये कुछ नहीं बोले, अब बुढ़ापा आ गया तो इन लोगों ने सोचा हो कि भाई उन लोगों को बुलाया जाए, जब एक त्यौहार में बुलाया आए तो फिर जाने लग गए, जाने लग गए तो भाई तो अब तो बुढ़े हो गए हम कब तक संभालेंगे ये सब, अब तुम लोग यहीं आए रहो, तो नहीं नहीं क्या ज़रूरत है, हम वहीं से संभाल रहे हैं, संभाल लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस रहे हैं गया, उसी दिमाग में आया इसलिए बोल रहे हैं कहीं को आना जाना है तीर्थ यात्रा इधर उधर के लिए गाड़ी वाड़ी चाहिए, इसलिए बोल रहे होंगे, वहाँ जाके सोचा, वहाँ ऐसे एक चेक भेज दिया, लो 8 लाख रुपया ऐसे कार खरीद लो, ये ड्राइवर भी रख लो, तनख्वाह भेज दूँगा, उनने चेक के साथ एक पत्र लिखा, रात्रि 12 बजे यदि मेरे को हार्ट अटैक हो जाए क्या कार मुझे अस्पताल ले जाएगा, ऐसे पत्र लिखा भेज दिया, चेक के सहित वापस कर, उसे पढ़ने उसे दिमाग बात तो सही है, ना कार ले जाएगा, नौकर रात्रि कहाँ रहेगा वहाँ पे घर पे, नौकर तो आया काम करे चला जाएगा,
हम तो रहें तो घर में रहेंगे, कुछ आवाज़ आएगा तो हम तुरंत देख सकते हैं। फिर और सब परिवार ने तय कर लिया, नहीं बात ठीक कह रही है, मैंने सारा काम धंधा छोड़ दिया, सब यहाँ। कोई कोई बच्चे इतना अच्छे होते हैं, सब छोड़ के आ गए वो लोग। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है तो उसे स्पष्ट भी ये चीज़ें हमारे काम के नहीं आने वाले हैं। नौकर कितना काम करेगा, सेवक कितना काम करेगा। इसलिए कहते हैं ये सब जीवन दाने न भृत्यो प्रक्रियत है, ऐसे औषधि आदि लाया हो सके, औषध आने न औषधादि आने न एव भृत्यो जीवन दान प्रक्रियत है, इसलिए वह मृत्यु को इस प्रकार से जीवन दान के द्वारा प्रेरण कर परिक्रण करता है। न तो तद औषधम भृत्यो सेवत है, इन लाए तो औषधि आदि को क्या भृत्यु सेवन करेगा, क्या वो क्यों दवाई खाएगा नौकर। समाज इस तरह से यहाँ पर भी है, आपने क्रयण किया ऋतु, ऋतु किस काम के लिए क्रयण किया है, वो काम वो करेगा, लेकिन बाकी जो संस्कार है जैसे दवाई खाएगा रोग दूर होगा, किसको होगा, मरीज मालिक को होगा ना, तो खाने कौन पड़ेगा, दवाई मालिक को खाना पड़ेगा। इस तरह से आपको संस्कार करना है, वपन संस्कार करना है, आप वपन करेंगे तब मंत्र बोलेगा, भले पंडित का काम क्या है, मंत्र बोलेगा, लेकिन वो दाढ़ी कर लेगा तुम्हारी दाढ़ी साफ हो जाएगा क्या, वो मुंडन करे तेरा मुंडन हो जाएगा क्या, संस्कार कैसे होगा। जैसे आप ये नौकर दवाई खा लेगा, मान पी भी लेगा टॉनिक है, बढ़िया टॉनिक मीठा पहने बढ़िया पी लेता है नौकर, तो क्या मालिक स्वस्थ हो जाएगा उससे। इधर से यहाँ पर भी आपने खरीदा है जिस काम के लिए वो काम वो करेगा, लेकिन आपको अपना जो संस्कार आदि है वो खुद को करना पड़ेगा। उपवास रखना है आपने, खुद रखिए आप, आपके लिए पंडित थोड़ी उपवास रखेगा, आपके लिए पंडित जप कर सकता है, आपके लिए पंडित पूजा कर सकता है, जितने के लिए विधि है ग्रहण करने का उतने के लिए आप उसको ग्रहण कर सकते हो, बाकी तो खुद को करना पड़ेगा। कई व्रत के लिए ग्रहण करने का विधि है क्या, कहीं आपने सुना वेद शास्त्र में विधि लिखा हो कि मैं व्रत नहीं कर सकता हूँ, मेरे बदले में पंडित व्रत करें, भूखा रहे। ऐसा कभी नहीं होता, जितने में विधि है उतने में आप जाप करवा सकते हो, जाप के लिए वर्ण करने का विधि है, इन इन चीज़ों संस्कारों के लिए व्रतादियों के लिए ये विधि नहीं, खुद को करना पड़ेगा। तस्माद इतरे क्रिया ऋत्विजा, इसे अन्य क्रियाएं ऋत्विज भले करे, संस्कारास्तो यजमानस्य, संस्कार तो यजमान का ही होता है, क्वचित्तु कुछ कुछ तो उनके लिए भी कहा गया है, जितना विधि उनके लिए उतने वो भी करके आएंगे। क्वचित्तो वचनात् ऋत्विजामपि संस्कारो अस्तु, कुछ कुछ संस्कार जितना विहित है उतने ऋत्विजों को भी पालन करना ही पड़ेगा, जैसे स्त्री संबंध नहीं करना, ब्राह्मण के लिए नियम बना दिया, ये भी एक संस्कार है, ब्रह्मचर्य रहना, वो कौन करेगा, यजमान ब्रह्मचर्य से क्या काम चलेगा, नहीं पंडितों को भी रहना पड़ेगा। ये कुछ संस्कार कुछ व्रत कुछ नियम जो ऋत्विजों के लिए उसको वो पालन करेंगे, और जितना इसके लिए उतना ये करेगा। चतुर्थाधिकरण आरचेती तपस्व यजमानत्वाधिकरण, भाई आया तप भी यजमानी करेगा, पयोव्रत करना है, आमिक्षा व्रत करनी है, यवागु व्रत करना है, ब्राह्मण के लिए पयोव्रत, क्षत्रिय के लिए आमिक्षा, और वैश्य के लिए यवागु, ये वर्णन है। अब यजमान करेगा कि ऋत्विक करेगा, वहाँ तो ब्राह्मण क्षेत्र वैसी बोल रहे हैं, और ऋत्विक तो हमेशा ब्राह्मण ही होते हैं, क्षत्रिय कहाँ से, वैश्य का, उनका तो ऋत्विक होने का अधिकार नहीं, प्रपंक्ति कैसे कटेगा, इसे स्पष्ट है। ऐसे चीजें यजमान को ही करना पड़ेगा। नाश्नाति द्व्यहमित्येत तप कस्य त्वयोर द्वयो हो दुःखत्वात् भोक्तृ संस्कारात् अध्वर्योर्युज्यते तपः फलांतराय पापस्य नाशकत्वेन संस्कृति लिंगात्तप स्वामी गामी
संस्कारांतरवत्त नाश्नाति देहम कह दिया। दो दिन खाना नहीं, ये तप है। भूख लगे, ज्यादा परेशानी हो, दवाई यदि खाना पड़े, दूध लो, बोला पयोव्रतम। जिसके लिए जो विधान किया उतना ही लेगा। अभी पेट भर 10 लीटर पी गया, ऐसा नहीं होगा। दवाई लेने के लिए कितनी जरूरत है, 50 ग्राम दूध से काम चलेगा, उतना ही लो। इनके आधे लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर पी गए, ऐसे नहीं होता। तप, ये तप का जो विधान है, कस्य तयोर्द्वयो, उन्हें अध्वर्यु करें अयजमान करें, उन दोनों में से किसको करना चाहिए। दुखत्वात् भोक्तृय संस्कारात्, दुख रूप है, कष्ट है इसमें, और भोक्ता का संस्कार भी नहीं है। ये यजमान का संस्कार करके कहा है क्या? नहीं कहा है। अति अच्छा है, जिसको खरीदा गया उसी को बोलो थोड़ा तप मेरे लिए कर लो, भूखा रहो तुम 2 दिन, पंडित को ही बोल देंगे, पंडित भूखा रहेगा। अध्वर्यो युज्यते तपः, इसे अध्वर्य को ही लिए यह तप करना उचित लगता है। सब सिद्धांत ये नहीं, नहीं फलांतर अपायस्य, फलांतर के फल में जो अंतराय, फल में फलांतराय, फलांतराय पापस्य, फल में जो प्रतिबंधी की भूत पाप है उसका नाशक है तप। फल कौन चाह रहा है? तो फिर उसको तो करना पड़ेगा। मुझे फल पाना है, मुझे फल पाने में जो प्रतिबंधक दिख रहा है उस प्रतिबंधक को दूर करने मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। फलांतराय पापस्य नाशकत्वेन संस्कृति ही, नाशकत्वेन संस्कारे भी, तप भी क्या है? एक संस्कार है। उपवास करना भी संस्कार है। इसे वेदांत के लिए भी कह दिया, विदिशा सन्यासी के लिए कह दिया, यज्ञेन दाने तपसा अनाशकेन, भूखा रहना पड़ेगा, अनाशक व्रत करना जरूरी है। एकादशी व्रत करो, सोमवार व्रत करो, कोई व्रत करो, वही ढंग से, जितना ढंग से अच्छे से कर सकते अच्छे से करना चाहिए व्रत। उसे ज्यादा माल खा लिए तो फायदा क्या है व्रत करने, व्रत के नाम पे लूट लिया, ये हो रहा है ना आजकल। फल खा के रहो, दूध पी के रहो, वो भी सीमित, यानी कि दूध का खीर बना दिया, उसे खूब बादाम वदाम सब डाल दिया। एकादशी हो रहा है। ना ना कुछ नहीं, आपके संकल्प है, आपको करना है कि दूसरा कह रहा है आपको? आप कर रहे हैं व्रत, आपका संकल्प है, बहाने क्यों करना हो उसमें। लिंगात सिद्धांत कहते नहीं, नहीं देखो, ये फल में अंतराय रूपेण जो पाप है उसका नाशक संस्कार होने से ये लिंगात तप स्वामीगामी, तप जो है स्वामीगामी है, संस्कारांतर्वत अन्य वपराधि संस्कारों के समान ये भी संस्कार है, अतः ये जाएगा यजमान के द्वारा करना होगा। ज्योतिष्टों में श्रूयते, ज्योतिष्टों में आता है, देहम नाशनाति त्रेहम नाशनाति इत्यादि ने उक्तम तप अध्वर्योर युक्तम, पूर्व पक्ष सीधा कहता है अध्वर्यो को करना ही उचित है। क्यों? तस्य दुखात्मकत्वेन परिकृत पुरुष कर्तुम उचितत्वात्, वो दुखात्मक है, दुखात्मक कार्यों के लिए हम खरीदे हुए इन लोगों को, करें ये लोग। जैसे आपको जो है दुखात्मक कार्य होता है, आप भी क्या करते हैं? मजदूर को बुला लेते हैं, वो बेचारा पसीना छूट रहा है, अपने करता है, क्या करे, आपने खरीद रखी उसी काम के लिए। यहाँ भी पंडितों को आपने खरीदा है, पसीना छूट रहा है तो करते कि नहीं करते यज्ञ में? उनके विधान है, आग लग रहा है, जल रहा है और सब सब पसीना छूट रही है, तो भी आपके लिए कर्म में लगे हुए हैं वो। इस तरह से तप भी वही करे, ये भी दुख झेले वही। पूर्व पक्षी कहता है तस्य दुखात्मकत्व ना परिकृत पुरुष कर्तुम उचितत्व, दुखत्वादेव फल भोक्तृ संस्कार तो भावात, दुखात्मक होने से फल भोक्ता का इसको संस्कार नहीं माना जा सकता है, पूर्व पक्षी कहता है। अतएव यजमान से न युक्तम, यजमान को ये सब तप नहीं करनी चाहिए। इति चेत् मैवाम,
भावन सुखरूप से फल से प्रतिबंधक दुख जनक यपम तस् नाशक दुख रूप से तपस स्वामी संस्कार संभवा भावी सुख रूप से फल से भविष्य में प्राप्त किया जाने वाला जो फल रूपा सुख है उसमें प्रतिबंधक दुख जनकम प्रतिबंधक जो दुख का जनक जो पाप है उस पाप का नाशक ये तप है। इसी यजमान वो भी यज्ञ मंडप में बैठा है वो भी अग्नि के सामने बैठा हुआ है वो भी पसीना आदि को सहन कर रहा है कि नहीं आगे गर्मी को सहन करता है कि नहीं। कई बार ऐसे ऐसे यजमान बैठे देख दे लाल टमाटर हो जाते चारा में पूरा लाल 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 गोरे गोरे रहते हैं आग की गर्मी के मारे टमाटर सा हो जाता है क्यों सहन कर रहा है वो भी कह तू ही कर ले पंडित मेरे से नहीं होता यजमान कर्म उसको करना पड़ेगा। यथा वो दुख को सहन कर रहा है भावी सुख के लिए उसी प्रकार व्रत रूपा जो दुख है उसको भी भावी सुख के लिए सहन करना पड़ेगा। कि भावी ने सुख रूप से फल से प्रतिबंधक तो दुख का जनक यत पापम तस् नाशकत्वेन दुख रूप से आप तपसा दुख रूप भले ही हो तप है फिर भी स्वामी का संस्कार तो संभव स्वामी का संस्कार तो संभावना है। अस्मिन अर्थे वाक्य शेषगत लिंगम कल्पसूत्रकारीर एवं उदाहरतम इसी अर्थ में वाक्य शेषगत लिंग को कल्प सूत्रकार ने और स्पष्ट कर दिया है। यदा वै दीक्षिता कृशो भवति अतमेध्यो भवति मैंने आदमी यजमान मोटा तगड़ा था दीक्षित हुआ अब कुछ खाना पीना बंद तो क्या हो गया कृषित हो यज्ञ करने के योग्य हो गया हो मैंने मोटे यजमान ये करने के योग्य नहीं है दुबले पतले यजमान ये करने योग्य है और मोटा है ये करना चाहते उसको दुबला बनाओ दुबला बनाने के लिए उसको दो दिन कुछ मत खाओ पियो तीन दिन कुछ मत खाओ पियो कुछ ना कुछ दिमाग भी घटेगा चर्बी तो हसमें यदा वही दीक्षिता कृशो भवती अथ मेध्यो भवती वह यह करने योग्य हो जाता है। यदा अस्मिन अंतर न किंचन भवती अथ मेध्यो भवती जब इसके अंदर कोई ऐसा चीज नहीं रह जाता है तब समझो यह याज्ञ योग्य हो जाता है। यदा से कृष्णम चक्षुर नश्यति अथ मेध्यो भवती जब इसका काला पुतली का भाग में कमजोरी आता है दूर दूर बढ़िया देखने का सामर्थ्य खत्म हो जाता है तब समझो यह याज्ञ योग्य हो जाता है। नहीं तो जाए दूर से देखते रह जाएगा ना कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं वहाँ देख यहाँ देख अरे यज्ञ में ध्यान दो तो उधर इधर देखते रहेगा आँख जितना तेज रहेगा उतने बाहर देखते रहेगा इसलिए आँख भी थोड़ा खाना पीना छोड़ने से कमजोर हो जाता है कमजोर हो जाने से यह करने के योग्य हो जाता है इत्यादि कहा गया है। यदा से कृष्णम चक्षुषो चक्षु का जो काला पुतला है वह कमजोर हो जाता है नश्यति नश्यति मैंने कृशो भवती तब अथ मेध्य भवती यदा से त्वचास्ति संधीयते अथ मेध्य भवती जब इतना सूख जाता है मनुष्य चमड़ा हड्डी में चिपक रहा है तब वह याग करने योग्य हो जाता है। कहने का भी अतिशोक्ति कहा जा रहा है कहने का मतलब तप करना तुम्हारे कर्तव्य व्रत पूजा पाठ करो यह तो यह नहीं इतना सूख जाता चल नहीं फिरने में उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा उसका हाँ वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इसलिए यहाँ तात्पर्य यही है व्रत पूजा पाठ जो भी तो उतना करो ये तात्पर्य। पीवा दीक्षिते देखो जब दीक्षित था कैसे था वो मोटू था पीवा दीक्षिते पीवा माने मोटू पीवा दीक्षिते कृशो यजते जब यह करेगा वो कृष होकर यजन करेगा नहीं दुख रूपम तपो बिना दुख प्रदम पापम नश्यति कहने का तात्पर्य इतना ही है दुख रूप के तप के बिना दुख देने वाला पाप नष्ट नहीं हो सकते अतः तप करना चाहिए इतने से तात्पर्य है। यथा लोके पाठन मंत्रेण विषव्रणानाम नोपशांति जैसे विषव्रण हो गया भयंकर कोई निकल आया गांठ फांठ हो रखा है दर्द हो रहा है खून पीप पे निकल रहा है तो क्या करना पड़ेगा
जाके चीर लगवाओगे नहीं, बिना चीर लगाए और दर्द सहन के बिना जो वर्तमान दर्द दूर होने वाला नहीं है। एक दर्द को दूर करने दूसरा दर्द सहन करना पड़ता है। हम लोगों को सब रेशम दर्द सहन करना पड़ता है, इंजेक्शन का दर्द सहन करना पड़ेगा। एक दूसरा दर्द आने है संभावना है ना, ऐसे नहीं कहते डायबिटीज पड़ेगा पर शरीर में दर्द 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 हो जाता है। और उसी एक भावी दर्द की संभावना को देखते हुए पहले से एक छोटा दर्द सहन करना पड़ता है। कई बार छोटे दर्द को दूर कर बड़ा दर्द सहन करना पड़ता है। अब ऑपरेशन क्या हो जाता है, यहाँ छाती में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास गया वो कहे हार्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा, हार्ट दर्द बड़ा काम हो गया। हल्का दर्द हो रहा था, हल्का दर्द को दूर करने के लिए बड़ा दर्द झेलना पड़ा, हार्ट ऑपरेशन हो गया। इसलिए एक दुख को दूर करना है, अब मैंने पाप का फल दुख है, अरे दुख हमें नहीं चाहिए। जब भविष्य पाप से होने वाले दुख को हटाने के लिए वर्तमान कुछ दुख सहन करना पड़ेगा, यही तप है और कुछ नहीं। यथा लोगे पाठन मंत्रेण मैंने चीर डाले बिना विष व्रणा नाम नो प्रशांति, विषमय जो व्रण है उसका उपशमन नहीं होता। तद्वत तस्माद वपनाद संस्कारवत, वपनाद संस्कार समान तपोपि यजमान सेव, तप भी यजमान के द्वारा ही कार्य कर्तव्य समझो। पंचमाधिकरण मारचियति हिरण्य मालित्वाधिकरण, सोने की माला एक चैन पहन के काम करना है। हिरण्य माला पहना है जो, उसका नाम हिरण्यमाली। हिरण्यमालित्वाधिकरण आरंभ होता है। हिरण्यमालिताद्यास्तु संस्कार वचनात्मता ऋतुजान्ते यथा आख्यानम कर्तव्या निखिलै ऋतो आद्य आख्या वशाद्मैवं सर्वसन्निधि पाठतः प्रतिमुख्यं गुणावृत्ते कर्तव्यानिखिलैरपि। ये तो ऋत्विकों के लिए है। ऋत्विक लोग सब लोग सोने का एक माला पहन के ही काम करना है। अभी विचार कर रहे हैं एक कर पहन ले काम चलेगा या सभी ऋत्विक पहनना चाहिए। जब भी पंडितों को लेना पहले देखना पड़ेगा पंडित साहब अपना सोने की माला पहना है कि नहीं पहना, पहना हो तब तो उसको वर्ण करना ठीक है, नहीं तो पहनाना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा ना। फिर पहना के काम करो तो महंगा पड़ेगा, वो पहना दिया तो कहेगा मेरा ही है तो लेके चला जाएगा। तो जगेगी वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए पहले से ही इसलिए क्या तरीका है सबसे बढ़िया, शादी किया कर ले आओ पंडित दहेज मिला हुआ रहेगा ना, पहना हुआ रहेगा पंडित व्यवस्था इतना दिया माला पहना हुआ होना चाहिए पंडित। और हम अपने विचार करें कैसे माला पंडित कैसे मिलेगा हमको, यजमान सोचेगा ना। सामर्थ्य और राजा है चलो सबको एक एक माला पहना देगा, सामर्थ्य नहीं तो क्या करेगा, पहले से पहनावों को देखना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय यहाँ विचार इतना था अध्वरी अकेला को पहनना चाहिए या सभी ऋतिक पहनना चाहिए। पूर्व पक्ष कहते अकेले पहनने से भी काम चलेगा, अन्य कर्मकांड के लिए गरीब ब्राह्मण भी रहे कोई आपत्ति नहीं। सिद्धांत नहीं नहीं सबको पहनना पड़ेगा। हिरण्यमालिताद्यास्तु हिरण्यमालिता आदि जो संस्कार वचनात्मता वचनात् आत्मा आत्मा नहीं वचनात् मता पच्छेद से वचन से ये अभिमत है कि ऋतुजान्ते यथाख्यानम यथाख्यानम जैसे समा गया उसके अनुसार उन ऋतुओं को पहनना है सभी को नहीं। कर्तव्य निखिल ऋत अतः सभी के द्वारा करना चाहिए। विकल्प उठा पूर्व पक्ष आद्य आख्यावशात समाख्यावशात आद्य पक्ष को ही रखो, एक दो ऋतु जिनके वेद में आया है वही लोग करें बाकी सब ना करें। सर्वसन्निधि पाठतः सिद्धांत मैवाम ऐसा मत कहो,
सर्वसन्निधि पाठतः प्रतिमुख्यम गुणावृत्त है। सभी को करने योग्य जो जो कर्म वर्णन किया गया सामान्य सबके द्वारा किए जाने वाले उसी के सन्निधि में ये भी पठित है। अतः सर्वकर्म है ये, तो एक ऋतु से काम नहीं, सकल ऋतुओं के लिए जो करना है उनके साथ साथ ये भी पठित है, जो सभी को करना पड़ेगा। तो क्या करें, प्रतिगुणम गुणावृत्ति प्रतिमुख्यम गुणावृत्त है कर्तव्य निखिलैरपि। इसलिए प्रत्येक मुख्य में भी जो संस्कार है उसे गुण की आवृत्ति होगी, सभी को करना पड़ेगा। वाजपेयी श्रूयते हिरण्य मालिन ऋत्विजा प्रचरन्ति इति। वाजपेयी याग में सुनने को मिला हिरण्य मालिन ऋत्विजा प्रचरन्ति इति। हिरण्य माला सोने के माला पहन करके ऋत्विज अंदर परिक्रमा जो कार्य करना करेंगे। शेने भी श्रूयते लोहित ओष्णिषा लोहित वसना ऋत्विजा प्रचरन्ति इसी। शेनिया के प्रकरण में आया लाल पगड़ी पहन करके लाल कपड़ा पहने हुए ऋतु जल परिक्रमा करेंगे। यदि भी हिरण्यमालित्वादि नाम संस्कारत्वाद यजमान विषयत्व पूर्व न्याय ने प्राप्त, यद्यपि पूर्व न्याय से हिरण्यमालित्वादि संस्कार होने के नाते यजमान को ही होना चाहिए ऐसे प्राप्त हुआ, तथापि वचनाद अयम ऋतिक संस्कार इन वचन प्रामाण्यात ऋतुजों का संस्कार है। तत्र हिरण्यमालित्व यजुर्वेदोक्तत्वात् अध्वर्युणाम एव, और सो हिरण्यमालित्व का है यजुर्वेद में, अतः यजुर्वेद में होने के नाते वह यजुर्वेदीय अध्वर्यु का ही संस्कार मानना चाहिए। लोहितोष्णादिकम सामवेदोक्तत्वात् वो सामवेदोक्त है, इसे उद्गात्री नाम एव उद्गाताओं का करना चाहिए। इति समाख्यावशात अभ्युपेयम तत्तद्वेद के नाम के आधार पर तत्तद्वेद संबंधी ऋतु को ही करना चाहिए। इति चेन्मयवा मैं समत कह हिरण्यमालिन ऋत्विज प्रचरन्ति ऋत्विज बहुवचन इति सर्वेषां ऋत्विजां सन्निधौ पठ्यमानो हिरण्यमालित्व संस्कार सन्निधि रूपी प्रमाण से समाज्ञा बाधित्वा समाज्ञ प्रमाण को बाध करके सन्निधि मैंने स्थान प्रमाण के आधार पर सर्वै ऋत्विभिर् संबध्यते सभी ऋत्विजों से संबंध किया जाएगा। किंच संस्कारित्वात् ऋत्विजां प्राधान्य सति संस्कारी होने के नाते ऋत्विजों का प्राधान्यता को देखते हुए प्रति प्रधानम गुणावृत्तिया सर्वेषां ऋत्विजां हिरण्यमालित्वादि संस्कारो अभिपेतभ्य प्रति प्रधान गुणावृत्ति न्याय के आधार पर सभी ऋत्विज प्रधान है, यहाँ सभी के बराबर होने के नाते सभी में हिरण्यमालित्व संस्कार भी स्वीकार करना चाहिए।